नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एग्रोकेमिकल सेक्टर के टॉप 5 शेयर्स के बारे में। दोस्तों ये शेयर्स जो होते हैं मार्केट कैप के आधार पे हम टॉप 5 शेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ रिटर्न के आधार पे, और साथ साथ जो आपका कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं वो जो सेफ रहेगा, मतलब जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उसके आधार पर हम इस 5 स्टॉक्स को लिए हैं। ये जो 5 स्टॉक्स है इसके सिवा कोई भी लार्ज कैप कंपनी इस सेक्टर में आपको नहीं मिलेगा। ये 5 कंपनी ही इस सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी है, तो ज़्यादा से स्टॉक्स ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि यही 5 जो है लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो आप लार्ज कैप को छोड़ते हैं तो आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जाना पड़ेगा इस सेक्टर में, जो कि काफ़ी रिस्की भी होता है, तो रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा दे सकता है क्योंकि इसमें कई सारे जो स्टॉक्स आपको देखेंगे वो भी पहले 10 साल पहले एक माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हुआ करता था और वहाँ से गजब का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो ये समझ जाइए कि जो ऊपर का मक्खन और मलाई होता है वो खा चुका है किसी और ने। अब आपको यहाँ पर थोड़ा खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि इस 5 में से कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जो कि मल्टीबैगर रिटर्न देगा आने वाले समय में। हर स्टॉक जो 5 स्टॉक बता रहे हैं वो तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन जरूर अगले 10 साल तक में कोई ना कोई स्टॉक इसमें से एक मल्टीबैगर जरूर बनेगा, एक या दो स्टॉक्स, क्योंकि ये जो सेक्टर होता है इवर ग्रीन सेक्टर है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो कारोबार है वो कभी बंद होने वाला नहीं है, और साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी अभी कोई कम होने वाली नहीं है, तो इसलिए ये डिमांड लगातार बना रहेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये एक इवर ग्रीन सेक्टर है जहाँ पर हमेशा रिटर्न मिला है, 10 साल के पहले भी मिला था, 10 साल में काफ़ी ज़्यादा मिला क्योंकि केमिकल सेक्टर में एक बूम देखने मिला पिछले 10 साल से। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे है वो रैलीज इंडिया, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट भरोसेमंद के साथ कर सकते हैं, एकदम भरोसा के साथ आप कर सकते हैं, इस पे भरोसा कर सकते हैं इस स्टॉक पे कि आपको लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से अच्छा रिटर्न देगा, साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी देगा ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि डिविडेंड लगभग 1% के आसपास है, जबकि अभी स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका है क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है अपने 52 वीक हाई के आसपास है, फिर भी डिविडेंड आपको 1% के पास मिल रहा है, तो आने वाले समय में बेहतरीन डिविडेंड भी मिलेगा ग्रोथ के साथ साथ। ये इसका मार्केट कैप जो है वो 6,300 करोड़ का है, और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, प्रमोटर्स होल्डिंग 50%। तो टाटा ग्रुप का स्टॉक है, ऐसे भी प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डेट इक्विटी की बात करें 0.05, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड का परसेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया 0.93%, और करेंट प्राइस जो है लगभग 324 रुपीज़ के आसपास है। वहीं लॉन्ग टर्म में चार्ट की बात करें तो देख लीजिए, चार्ट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चार्ट होता है वो यही चार्ट है। स्टॉक्स कई बार देख सकते हैं नीचे आया, मौका दिया इन्वेस्टर को, आप मतलब यहाँ पर अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं या री एंट्री ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं फिर, मतलब लगभग जो स्टॉक का चार्ट है वो काफ़ी सॉलिड है, थोड़ा सा मतलब मूव किया फिर कंसोलिडेशन, फिर मूवमेंट दिया फिर कंसोलिडेशन, तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट होते हैं इस तरह के। जो चार्ट होते हैं कंपनी स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इसका चार्ट देखेगा तो स्लो वाइज एकदम लगातार अप ट्रेंड में रहा है चार्ट। तो इसी तरह के जो बेहतरीन चार्ट वाले स्टॉक है, लगातार अप ट्रेंड रहने वाले स्टॉक्स, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है सुमितामो केमिकल्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करेंट जो मार्केट कैप है इसका 18,000 करोड़, एक नया लिस्टेड कंपनी है, ये कंपनी कुछ खास पुरानी नहीं है, तो न्यू लिस्टेड कंपनी है, और इसका देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, डिविडेंड 0.15%, तो काफी कम है डिविडेंड यील्ड। वहीं प्रमोट सोल्डिंग 75% जो मैक्सिमम हो सकता है, डेट टू इक्विटी 0.02, लगभग नहीं के बराबर डेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अब इसके बात करें अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट तो इसमें उपलब्ध नहीं है क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है, 2020 में ही कंपनी लिस्ट हुआ और लगभग 200 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ था, अभी 380 रुपीज़ चल रहा है, तो कुछ खास मोमेंटम इस स्टॉक में हुआ नहीं है। तो इस स्टॉक को आप चाहे तो कैच कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। अगला है बेयर कॉप साइंस लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और इसका मार्केट कैप देखिए 25,000 करोड़ का है, और जो करेंट प्राइस है 5,600, ये थोड़ा महंगे स्टॉक्स है। और कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, मतलब जो टोटल कैपिटल कंपनी के पास है उस पर रिटर्न दिया 31% का, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%, और जो डिविडेंड यील्ड है 1.6%, तो काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 71%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन है। डेट टू इक्विटी 0 है,
मतलब कोई भी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक्स है। तो इसी तरह के स्टॉक के साथ हमें रहना है जो बिल्कुल डेट फ्री हो, तभी तो हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा जब कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो इस सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का मौका देता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट, मात्र 10 साल में ये स्टॉक 500 रुपीज से 5000 जा चुका है, मतलब 10 टाइम्स का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर उसको छोड़िए 10 टाइम्स दिया, चार्ट देखिए कितना सॉलिड है, कभी भी इसमें वीकनेस नहीं आया। बहुत सारी कंपनियों के चार्ट जो आपको दिखेंगे तो स्टॉक मूव तो किया ऊपर, वहां से 50% करेक्ट हो गया, यहां मात्र 10% 20% का गिरावट है, जबकि मूवमेंट देखिए कितना जबरदस्त है। ये स्टॉक यहां 500 से मूव किया, लगभग 4000 जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हुआ 3000 तक, फिर 3000 से मूव कर गया 6000 तक, अभी लगभग 6000 के आसपास चल रहा है स्टॉक। तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है स्टॉक का, फंडामेंटल क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक्स का चार्ट जो है वो आपको बेहतरीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि फंडामेंटल बेहतरीन है, चार्ट स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल बेहतरीन है तो चार्ट बेहतरीन बनेगा ही। तो जो कंपनियों के फंडामेंटल्स बेहतरीन है चार्ट बेहतरीन बनेगा, चार्ट बेहतरीन दिख रहा है मतलब कंपनी के फंडामेंटल निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे होंगे, दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। तो आप चार्ट जब देखना सीख जाएंगे चार्ट से ही पता कर लेंगे कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, चार्ट से ही आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया बेयर क्रॉप साइंस। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पर कंपनी है वो है PI इंडस्ट्रीज, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट कैप 44,000 करोड़ का, करेंट प्राइस 2,900, डिविडेंड 0.14%, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, प्रमोटर्स होल्डिंग 46.7%, डेट टू इक्विटी 0.05, तो डेट इक्विटी काफ़ी कम है, मतलब ये भी कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो देखते हैं इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग चुनिए, आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। अब देखिए PI इंडस्ट्री के चार्ट देखते हैं, तो इससे सॉलिड चार्ट तो आपको पीछे जो तीन दिखा है उसका भी नहीं दिखा होगा, देखते हैं इसमें तो कभी गिरावट आया ही नहीं, पैंडमिक आया उसमें भी बहुत ही कम गिरावट देखते हैं, जहां बहुत सारी कंपनियां 50% से ज़्यादा का करेक्शन देखने मिला था वहीं इस स्टॉक में मात्र 1500 से यहाँ पर देखते हैं 1000 रुपीज़ 1100 तक आया, मात्र 400 रुपीज़ का गिरावट देखने था स्टॉक के प्राइस में। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रुपीज मतलब रिटर्न दिया है, 70 रुपीज़ से लगभग 3000 तक का जर्नी ये तय कर चुका है, मात्र 70 रुपये में का ये स्टॉक मिल रहा था 2011 में और अभी ये 3000 तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर इसका चार्ट जो अगर आप पीछे का देखेंगे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, अगर आप BSE इंडिया का चार्ट tradingview.com पर देखेंगे तो वहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी कम लगभग 20-30 रुपीज़ का था, वहाँ से ये लगभग 3000 का जर्नी तय किया है, तो इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को ये स्टॉक्स। अगला है UPL लिमिटेड, ये 61,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 805 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, डिविडेंड 0.75% है डिविडेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लायर 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, प्रमोटर्स होल्डिंग 28%, इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग भी काफ़ी कम है, कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है 1.16 है, इस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंपनी सेक्टर की लीडर है, हमको लीडर के साथ नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर लीडर का हालत ख़राब है, देख सकते हैं डेट टू इक्विटी भी ज़्यादा है, प्रमोटर्स का होल्डिंग भी काफ़ी कम है। जब इस सेक्टर के स्टॉक इवर ग्रीन है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे स्टॉक भी इससे कुछ खास पीछे भी नहीं है, कुछ ज़्यादा पीछे भी नहीं, PI इंडस्ट्रीज, बेयर कॉप साइंस, सुमितोमो केमिकल, रैलीज इंडिया, एक से एक स्टॉक है। तो हम UPL के साथ जाना क्यों पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट भी है और प्रमोटर होल्डिंग भी कम है, डिविडेंड यील्ड भी कम है, तो जब हमें रिटर्न भी इससे ज़्यादा देगा दूसरे स्टॉक, फंडामेंटली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सेक्टर लीडर है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप इस सेक्टर लीडर के साथ चलिए। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटली जब स्ट्रॉन्ग है कंपनी और अपने सेक्टर लीडर से वो कुछ खास पीछे नहीं है, तो आप दूसरे नंबर वालों के साथ भी जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ऐसे ये स्टॉक जो पीछे का रिटर्न की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन दिया है, मतलब अपने सेक्टर के सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक है। देखते हैं 2012 में भी मात्र 88 रुपीज़ का था, वहाँ से 800 का जर्नी तय किया है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो आप अगर सेक्टर लीडर के साथ जाना पसंद करते हैं तो UPL के साथ जा सकते हैं। ऐसे इस सेक्टर के जो 5 स्टॉक आपको बताए हैं उसमें से जो पीछे 4 थे वो भी इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा रिटर्न आपको पीछे 4 जो स्टॉक है वो देगा।
साथ ही साथ अगर रैलीज इंडिया टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो इस लीडर से सेक्टर लीडर से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप टाटा ग्रुप के रैलीज इंडिया के साथ जा सकते हैं, बेयर कॉर्प के साथ जा सकते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज के साथ जा सकते हैं या न्यू लिस्टेड कंपनी सुमितमो केमिकल के साथ जा सकते हैं। तो चारों स्टॉक एक पर एक है, लेकिन किसी एक के साथ ही जाइएगा। ज़्यादा स्टॉक नहीं लेना है इस सेक्टर से, क्योंकि इसके जो ऊपर की मक्खन और मलाई है वो किसी ने खा चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा रैली पिछले 10 साल में आ चुका है। तो हो सकता है अगले 2-4 साल तक कंसोलिडेट भी करता रहे स्टॉक। तो इन सब चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको यहाँ पर डेली अपडेट आपको मिलेंगे कौन से सेक्टर में मूवमेंट आने वाला है। तो हर वीक हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कौन से सेक्टर में अभी मूवमेंट आ रहा है, उस सेक्टर के साथ आप शॉर्ट टर्म में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना है, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।